नमस्कार सभी बहनों का स्वागत है और इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। चलिए सिलसिलेवार आज की खबरें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक खबर छपी हुई है। आंगनबाड़ी वर्करों को निर्देश दिए गए हैं। एक बैठक जो है नौतनबा के रतनपुर सभागार कक्ष में बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुराग कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ हुई है और इस दौरान CDPO ने कहा है कि कुपोषित बच्चों की पहचान और उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए मुख्य सेविका कार्यकर्ता नियमित गृह भ्रमण करें। इस अवसर पर जो है मुख्य सेविका शोभावती कंचनलता अर्चना शर्मा अरुण कुमार संदीप आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के बजट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट जो है आपको बता दें 5 तारीख को आ रहा है और बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। ये बजट जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। वर्ष 2024-25 के लिए यूपी का बजट सोमवार को पेश किया जाएगा और जिसका आकार करीब 7.70 लाख करोड़ रुपए तक का होने का अनुमान लगाया गया है। यह बजट आकार में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। अभी हाल ही में 1 फरवरी को लोकसभा का बजट प्रस्तुत किया गया था और उस लोकसभा के बजट में आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो बजट था पूर्ण बजट नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत होने वाला है कल, ये पूर्ण बजट होगा। तो ऐसे में जो है इसमें कुछ ऐलान संभव माने जा रहे हैं। बाकी क्या होगा कल ही पता चल पाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। बजट में जब पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कई योजनाओं पर या फिर मानदेय वृद्धि या फिर तमाम प्रकार के जो है योजनाएं पहले से चल रही हैं उसमें जो है अत्यधिक पैसा दिए जाने की प्रबल संभावनाएं मानी जा रही हैं। बजट में लोकसभा चुनाव की झलक देखने को मिल सकती है। 3 से 4 औद्योगिक गलियारे बनाने की लेकर जो है सरकार भारी भरकम बजट दे सकती है। इसके साथ ही प्रयागराज में कुंभ की तैयारी में भी बजट दिया जा सकता है। हाल ही में 3 जो है जनपद अयोध्या मथुरा काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी खास फोकस से देखने को मिल रहा है। तो CM योगी ने आपको बता दें कैबिनेट बैठक भी जो है सोमवार को सुबह बुलाई है और इसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दिलाई जाएगी। साथ ही यूपी सरकार का यह बजट अब तक का जो है सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इसी के साथ ही जो है 1 फरवरी को संसद में केंद्र का अंतरिम बजट पेश हुआ था और अब जो है यूपी सरकार का पूर्ण बजट जो है कल प्रस्तुत होने वाला है। एक खबर और दे देते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक गुड न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो है बड़ा फैसला कर दिया है और ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानदेय न मिलने की वजह से लगातार आउटसोर्स कर्मचारी परेशान रहते हैं। अब योगी सरकार ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को एक निश्चित तारीख पर उनका पैसा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने मैन पावर सप्लाई का काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की नकेल आउटसोर्स कंपनियों के पर जो है नकेल कसना शुरू कर दी है। आपको बता दें सरकार डायरेक्ट जो है पैसा कर्मचारियों को नहीं देती है, सरकार कंपनियों को पैसा देती है। कंपनियां जो है सर आपको बता दें जो कर्मचारी लगे होते हैं उनको पैसा देती है, लेकिन कंपनियां कभी कभी लापरवाही करती है या फिर जो है पैसा मिलने के बाद भी जो है रोके रखती है। तो ऐसे में जो है सरकार नकेल अब सीधे सीधे कंपनियों पर कसेगी। इसके तहत क्या होगा, वैसी व्यवस्था हो रही है जिससे विभाग में काम कर रहे 80,000 यानी कि बिजली विभाग में जो काम कर रहे हैं 80,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी मजदूरी का भुगतान महीने की 1 तारीख को हो जाए। बिजली वितरण कंपनियों के MD को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो है दिशा निर्देशित किया है। आपको बता दें कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश के बाद जो है वितरण कंपनियों के MD की तरफ से इसके लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखा है। हाजिरी की गणना जो है बीते 23 से वर्तमान महीने की 22 तारीख तक आउटसोर्स कर्मियों को 1 तारीख को मजदूरी मिल सके इसके लिए जो है हर महीने की 20 तारीख को आउटसोर्स एजेंसियों को धनराशि संबंधित वितरण जो है कंपनियों को भेज दी जाएगी। यानी कि हर हाल में जो है 1 तारीख को वितरण हो जाए, इसको लेकर जो है प्रयास किया जा रहा है और ये बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के सीतामढ़ी में जो है एक मामला निकल कर आया। ये फर्जी तौर पर जो है संचालन का मामला था। सीतामढ़ी के मेजरगंज के खैरवा पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 105 पर अवैध रूप से चयनित सेविका कंचन कुमारी का चयन रद्द किया गया है। यह कार्रवाई जो है आयुक्त तिरहुत प्रामंडल DM व ICDS निदेशालय जन शिकायत से प्राप्त परिवाद पत्र की जो है सुनवाई पर ICDS DPO ने की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के लिए निर्धारित 16 संस्कारों में से 2 महत्वपूर्ण संस्कार आंगनबाड़ी केंद्र पर पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ केंद्र के क्षेत्र में आने वाली गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पारंपरिक मंगल गीत के साथ गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म अदा की जा रही है। यूपी के गाजीपुर के साथ ही जो है सभी जगह ये रस्म जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर होती है, लेकिन गाजीपुर में थोड़ा बड़े पैमाने पर हो रही है, इस कारण से ये खबर बन गई है। वही राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला है। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को लेकर जो है ड्रेस दी जाएगी। पहली बार आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों को भी 2-2 ड्रेस देने का ऐलान राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर दिया है। ड्रेस आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाने का काम भी किया गया है। वितरण की कार्य योजना बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये दी जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बता दें ये घोषणा राजस्थान की भाजपा सरकार ने किया है।
अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक खबर हम जान लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण को लेकर एक बड़ी खबर है। हापुड़ जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की रिपोर्ट गलत पाई गई, जिस पर जो है CDO खुद कमान इन केंद्रों की व्यवस्था देखेंगे। यानी कि जो रिपोर्ट दी जा रही है केंद्रों की, वो गलत दी जा रही है। ऐसे में CDO जो एक बड़े अधिकारी माने जाते हैं, अब वो खुद ही जो व्यवस्थाओं को जांचने परखने के लिए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा का स्तर सुधारने व केंद्रों के बंद मिलने पर यह कदम उठाया है। CDO ने CDO है, CDPO नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग CDO को CDPO समझ रहे हैं। CDO एक बहुत बड़े लेवल का अधिकारी होता है। CDO ने जिले के चारों ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों को रोजाना 3-3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। इन निरीक्षण की रिपोर्ट वीडियो रोजाना CDO को करेंगे, जिसमें जो है इन आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण CDPO द्वारा किया जाता है, इसके बाद निरीक्षण की रिपोर्ट CDO और DPO को भेजी जाती है। लेकिन अक्सर ये अधिकारी बिना केंद्रों पर गए ही कार्यालय से रिपोर्ट भेज देते हैं। मुख्य विकास अधिकारी की क्रॉस चेकिंग में ये बात खुलकर सामने आई है। वही CDO अभिषेक कुमार ने रिपोर्ट गलत पाए जाने पर ये कार्रवाई की है। साथ ही जो है जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति खराब मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। DPO को चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में केंद्रों पर कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की कार्रवाई कर रहे हैं। CDO ने जिले के हबीजपुर विकास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक भी जो लाभार्थी उपस्थित नहीं मिला। इसी के साथ ही अब उन्होंने वीडियो को निरीक्षण को लेकर कहा है, साथ ही प्रगति रिपोर्ट भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर थी जो हमने जानी है। बाकी नए लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को तो कर ले, लाइक और शेयर करना मत भूले, लगातार आपको अपडेट मिल रही है। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। बाकी बात कर लेते हैं जाते जाते मानदेय को लेकर। आज जो है रविवार पड़ गया, तो रविवार को मानदेय भेजा नहीं जाता, आप लोग जानते ही है, क्योंकि रविवार को सभी बैंक बंद रहते हैं या फिर कोई भी ऐसा दिन पड़ता है जिसमें छुट्टी होती है, अवकाश होता है, तो भी मानदेय नहीं भेजा जाता है। तो इसी वजह से नहीं तो आज जो है सभी जनपदों का मानदेय क्रिएट कर दिया गया होता। अब ऐसे में आपको सोमवार का दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर सोमवार को भी छुट्टी होती तो ऐसी स्थिति में जो मानदेय लटक सकता था। बाकी कल हमने बताया था आपको कौन कौन से जनपदों में मानदेय भेज दिया गया है। कई जनपदों के बारे में हमारे पास जानकारी आई, फिर जो हमने खबर जब आपको दी उसके बाद भी हमारे पास कई लोगों ने बताया कि हमारे जनपदों में आ गया है। अधिकतर जनपदों में जो है कल मानदेय भेजा जा चुका है। बाकी केंद्र सरकार का पैसा जो भी अभी क्रेडिट पड़ा है वो सोमवार को आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। राज्य सरकार का भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, हो सकता है इसी सप्ताह जो है राज्य सरकार का भी पैसा आप लोगों के अकाउंट में पहुंच जाए। बाकी आप लोग बताइए PLI की राशि समय पर आप लोगों को मिल पा रही है या फिर नहीं, क्योंकि कई जनपदों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि PLI की राशि जो है कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं एक भी नहीं दी जा रही है। PLI किस तरीके से बनाई जा रही है, कोई इसमें नया नियम, कोई भी नियम मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तमाम जनपदों से अपडेट मिल रही है। PLI के बारे में क्या प्रक्रिया है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रोत्साहन राशि आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त तौर पर कितनी दी जा रही है, पूरी मिल रही है, आधी मिल रही है, और आप लोग किस तरीके से प्रोत्साहन राशि को चेक कर रहे हैं, आप लोगों को चेक करना आता है, प्रोत्साहन राशि को देखना आता है या फिर नहीं देखना आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आता है तो बताइए, देखना आता है तो किस तरीके से चेक कर रहे हैं। बाकी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो PFMS के जरिए भी चेक कर लेते हैं पैसा, और अगर नहीं कर पाते तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग मैसेज के जरिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।